नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइट कोरोना फ्लूट सीरीज 194th एपिसोड। मैं तेजपाल आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज का जो ट्यूटोरियल है वो होगा पापा कहते हैं मूवी का, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही। तो दोस्तों, ये ट्यूटोरियल सी शार्प मिडिल फ्लूट पर मैं आपको देने जा रहा हूँ। उम्मीद है आपको जल्दी से इसको सीख पाएंगे। बहुत ही सिंपल है, यू मस्ट राइट एंड नाउ विल स्टार्ट फर्स्ट विद मुखड़ा एंड देन अंतरा पैरावाइज। दोस्तों, अब हम इसके मुखड़े की शुरुआत करते हैं। हवा थोड़ा तेज चल रही है, थोड़ा सुरों में इतनी क्लैरिटी नहीं होगा, तो प्लीज बियर विद मी। आज मैंने प्लान किया है कि थोड़ा आउटडोर में आज का ट्यूटोरियल आपको दिया जाए। दोस्तों, शुरू करते हैं। फर्स्ट लाइन, घर से निकलते ही, ये मंत्र सप्तक के नी से शुरू होगा, ठीक है। नी सा नी धनी सा नी रे सा, घर से नी सा नी ध। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। स्वर आपको नोटेशन इसके दिखाई दे रहे हैं, आपने सिंपल प्रैक्टिस करना है। घर से निकलते ही, निकल में थोड़ा सा देर रुकना है, गाने के हिसाब से सा में थोड़ा स्टॉप है। ते ही रे सा कुछ दूर सा ग ग प, ठीक है। कुछ दूर चलते ही, चल रे नी रे नी रे सा चलते ही, ठीक है। दोबारा शुरू करते हैं पूरी लाइन को। दूर चलते ही रस्ते में है, रस्ते मतलब थोड़ा सा ऊंचा जाना है, हाई ऑक्टेव का सा यहां भी यूज होगा। गप गप सा नी ध नी ध प, उसका घर, ठीक है। रस्ते में है गपसा, रस्ते में है, पहले यहीं तक ट्राई कीजिए। ये नी धप्पा पड़े स्लाइड करके आना है, ठीक है, इसको मींड के साथ में। उसका घर रे 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 ग रे 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 ग रे। अब ये दोनों लाइन देख लीजिएगा, हाँ, और यही चीज दोबारा रिपीट हो जाएगी। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की से आई नजर, ठीक है दोस्तों। बहुत ही सिंपल है, अभी तक इसमें कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पे मुश्किल आए। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ, वो क्या है। मासूम चेहरा, सुरों पे मत जाइए मेरे, बट जस्ट फॉलो द जो मेरी फिंगर्स हैं और जो नोटेशन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। मासूम चेहरा देखिए कैसे, चेहरा राम में क्या करना है, आपने प का कण लेना है। मासूम ग म प ग म ध पानी है। मासूम चेहरा द ध थोड़ा लंबा खींचना है, फिर पका कर, ठीक है। नेक्स्ट इज नीची निगाहें, नीची निगाहें ग म ध ध प प,
भोली सी लड़की। अब ये सी जो है उसमें थोड़ा देखिए कैसे, भोली ग म पे पहले क्या रहा था, पौधा का यूज कर रहे थे, अभी ग म के बाद सीधे सा पे आ जाएंगे, हाई ऑक्टेव के सा पे, और फिर वही प का कण। क्या था ये, भोली सी लड़की। ये बहुत कम टाइम के लिए था। अभी चारों जो है तकरीबन एक जैसे ही है, देख लीजिए कैसे। पैराग्राफ, ना अप्सरा है ना वो परी है, वो किस तरह से आता, देखिए ये तीव्र म का यूज होगा इसमें, ना अप्सरा, ये पद प आएगा, म म म पद प, ठीक है, म प म म म म पद प, और फिर म गम ग, ना वो वो गमा पद प, थोड़ा सा ट्रिकी है, गमा पद प म ग ग और फिर रे का कण, सॉरी सा का कण है, ना वो परी है, ना वो है में सागर कण, लेकिन ये उसकी जादूगरी, थोड़ा सा ऑक्सीजन लेवल कम है यहाँ पर, तो इसलिए जो है कंटिन्यूटी नहीं हो पाती, बट आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप इसको बहुत अच्छा बजा पाएंगे, मुझसे भी अच्छा बजा पाएंगे। तो दोस्तों, ना अप्सरा है ना वो परी है, ये हो गया, लेकिन ये उसकी रे 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 नीदा की रे 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 नीधा, ये थोड़ा मीट के साथ, लेकिन ये उसकी रे 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 नीधा, जादूगरी है, नीधा निसासा, ठीक है। तो इसके साथ ही ये ट्यूटोरियल यहीं पे समाप्त होता है, उम्मीद है आप इसको अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, और इसके बाद जितने भी अंतरा इसके हैं वो इन्हीं स्वरों पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। तो आई होप यू विल डेफिनेटली लर्न दिस ट्यूटोरियल इन द फास्टेस्ट वे एंड एट द अर्लीस्ट। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैप्पी फ्लूटिंग।